कनाडा से दिल्ली आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति यूपी सरकार को सौंपी जाएगी। प्रदेश भर में मां के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। 18 जिलों में ये मां की मूर्ति भ्रमण करेगी। माता अन्नपूर्णा की 108 साल पुरानी प्रतिमा कनाडा से हिंदुस्तान आई है और अब मां अन्नपूर्णा की एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद ये प्रतिमा यूपी के तमाम जिलों से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। तो अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी सरकार को सौंपेंगे। वहीं इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, बलदेव आर ओलक, भूपेंद्र चौधरी मौके पर मौजूद रहे। अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा कनाडा से आई है, कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं आप? 100 साल पहले बनारस के घाटों से ये प्रतिमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से ये वापस देश आई है। ASI ने ये मूर्ति हमें हैंडओवर की है और ये 4 दिन यूपी के अलग अलग जनपदों में जाकर फिर ये काशी विश्वनाथ धाम में 15 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्थापित होगी। बहुत बड़ा मोमेंट है, ये हमारी देश की धरोहर लौट रही है और प्रदेश का मान सम्मान, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। मोदी सरकार में ये हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये देश के लिए गौरव की बात है? बहुत बड़ा ये एक मोमेंट है, क्योंकि देश का जो धरोहर है अगर वापस आए तो ये इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। बहुत बड़ा मोमेंट है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा यहाँ पे आना एक गौरव की बात है। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो कई सालों बाद हिंदुस्तान लौट कर आई है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में ही, जहां पर माता अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा है वो यूपी सरकार को हैंडओवर की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये प्रतिमा दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर बाकायदा पूजा किया जा रहा है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मौजूद हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, वीके सिंह हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बलदेव औलक हैं, सुरेश राणा हैं, इसके अलावा और भी कई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ही माता अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा है वो हैंडओवर करेंगे यूपी सरकार को और उसके बाद एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और फिर ये अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा है वो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है और अब ये प्रतिमा बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो कनाडा से दिल्ली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आ गई है, यूपी सरकार को यह मूर्ति सौंपी जाएगी। प्रदेश भर में मां के स्वागत की तैयारियां देखने को मिल रही थी। 18 जिलों में यह मूर्ति भ्रमण करेगी। तो मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है, कनाडा से मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति देश में लौटी है उस मूर्ति को लेकर जिस तरीके का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, 18 जगहों पर यह मूर्ति भ्रमण करने वाली है, 18 जिलों में इस मूर्ति को लेकर भ्रमण किया जाएगा, साथ ही साथ मूर्ति की स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर में की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ अभी इस वक्त चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनके पूरे जी बिल्कुल साहिल, आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कैमरा पर्सन कमल से कहूंगी वो आपको मंच की तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले आप देख सकते हैं माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जहाँ पर रखी गई है, वहाँ पर तमाम पुजारी हैं यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे इससे थोड़ी देर पहले। और इसके अलावा मंच के दूसरी साइड में अगर हम देखें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद हैं, उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी हैं और इसके अलावा डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल, अर्जुन मेघवाल, वीके सिंह,
तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। जी किशन रेड्डी हैं जो संस्कृति मंत्रालय देखते हैं, वही यूपी सरकार को ये अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा है वो हैंडओवर करेंगे। और इसके अलावा अगर हम यूपी सरकार के मंत्रियों की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुरेश राणा है, एसपी सिंह बघेल जो केंद्र में मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, बलदेव सिंह औलख हैं, तमाम केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ये जो अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा है उसको अपने हाथों से हैंडओवर करेंगे यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को। और इसके बाद ये मूर्ति की एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और वो शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से होते हुए बनारस पहुंचेगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता अन्नपूर्णा देवी की इस प्रतिमा को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही स्थापित करेंगे। ये बताया जाता है कि तकरीबन 108 साल पहले इस मूर्ति की चोरी की गई थी और उसके बाद ये मूर्ति हिंदुस्तान लंबे समय बाद लौटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। थोड़ी देर पहले जब मुख्य सचिव अश्विनी अवनीश अवस्थी से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक गौरव का विषय है जिस तरीके से माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो हिंदुस्तान लौटी है, क्योंकि देखा जाए तो 108 साल पुरानी ये प्रतिमा है और 100 साल से अधिक वक्त हो गया था ये मूर्ति जो है वो चोरी हो गई थी और कनाडा से अब इस मूर्ति का हिंदुस्तान वापस आना जाहिर सी बात है गौरव का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे। और अब एक शोभा यात्रा थोड़ी देर में यहाँ पर निकलेगी और अगर मंच की बात करें तो यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जो विदेश राज्य मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद है, बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश से जो मंत्री है वो यहाँ पर आए हुए हैं, पंकज चौधरी है वित्त राज्य मंत्री वो मंच पर मौजूद है, यानी कि उत्तर प्रदेश के केंद्र में जितने मंत्री बने हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो प्रतिमा है माता अन्नपूर्णा देवी का ये उन लोगों को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद यहां से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नोएडा गाजियाबाद होते हुए कानपुर उन्नाव तमाम जगहों से होते हुए आखिर में वाराणसी पहुंचेगी, काशी पहुंचेगी, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। साहिद चलिए ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कनाडा से दिल्ली माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लौट आई है। आपको बता दें कि काफी समय पहले इस मूर्ति की चोरी की गई थी और उसके बाद अब ये भारत वापस लौटी है, जिसके लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, 18 जिलों में ये मूर्ति भ्रमण करेगी और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.